INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थोड़े से अलग से इंतजाम है इस बार, जो है ऑक्सिलरी बूथ की संकल्पना ज्यादा है। इसमें 2386 बूथ यहाँ पे 16,55,000 की आबादी जो है इलेक्टर्स जो है इलेक्शन की प्रक्रिया में जो है सहभागी होंगे। यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल बूथ है और वल्नरेबल बूथ है वहाँ पे तो CPF की तैनाती हुई ही है। इसके अलावा भी जो है 62 कंपनीज आई है, मतलब हर बूथ को जो है CPF का फोर्स यहाँ पे दिया जा रहा है। नक्सल बूथ में जो है एक सेक्शन CPF का फोर्स पर बूथ पर लोकेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा भी जो है माइग्रेंट लेबर्स भी आए थे, वो भी चुनौती थी, तो 5,000 के करीब माइग्रेंट लेबर्स को भी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रल एपिक कार्ड जो है हमें उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन की इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, तो 880 से लेकर 905 तक इन 6 असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे हर्षद जी, कल्याणपुर, मधुबन, टिमरा, केसरिया इनकी, तो ये भी बढ़ा दिया गया है। विकलांगों के लिए भी जो है इस बार कोविड के मद्देनजर 80+ और जो विकलांग है PWD इनको पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी दी गई थी, तो घर से भी मतदान कर सकते थे। अगर घर से उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है फॉर्म 12D करके, तो वो कल जो है जाके मतदान केंद्र पर भी जो है मतदान करेंगे। वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग भी होगा, अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इन केस जो है 15 मिनट के बाद फिर उनको हम टेस्ट करेंगे। अगर फिर भी वो कोविड के लक्षण को दिखाता है तो वो जो है लास्ट आवर्स में जो है प्रॉपर सुरक्षा के साथ जो है हम वोटिंग करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके लिए उनसे अलग से पर्ची भी दी जाएगी। बायो वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है, वो सैनिटाइजेशन का भी एस्पेक्ट देखेंगे। आज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PCCP जो होता है फेडरल इनकम कलेक्टिंग पार्टी, जो EVMs को कलेक्ट करता है, उसको लेके जा रहे हैं। इसके साथ सेक्टर ऑफिसर्स भी जो है यहाँ पे जो है अपने अपने रिजर्व EVM, इस बार रिजर्व EVMs हमने ज्यादा रखा है 120% से ज्यादा, ताकि EVM रिप्लेसमेंट के इश्यू, जैसे कि उस दिन मान लीजिए कहाँ पे मशीन खराब हो गया है या कुछ शिकायतें प्राप्त हो तो उसके लिए रिजर्व मशीन होना जरूरी है, तो हमने पर्याप्त मात्रा में मशीन्स भी दे चुके हैं। उसका ड्रिल्स भी हम कर रहे हैं। RO को भी यहाँ पे हमने बुलाया है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी जो है कल पोलिंग पार्टीज का जब डिस्पैच हुआ था वहाँ उस समय भी इन लोगों के द्वारा दिया गया था। मेरा बस यही अपील रहेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे पूर्वी चंपारण जिलावासी भरपूर उत्साह के साथ जो है सम्मिलित होंगे और जो है लोकतंत्र मजबूत करेंगे। धन्यवाद।